यशोधरा नगर के ईट भट्टी परिसर में अपराधी की उसके साले ने मामा की मदद से हत्या कर दी। विवाह करने के 25 दिन बाद ही यह वारदात हुई है। पुलिस ने अपराधी के साले सहित 4 परिजनों को हिरासत में लिया है। लॉकडाउन के दौरान हत्या की वारदात होने से यशोधरा नगर थाने में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक नितिन उर्फ छोटू कालिया कसोदिया उम्र 22 धम्मदीप नगर कालिया पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या सहित 17 मामले दर्ज है। वह बचपन से ही अपराध जगत में सक्रिय था। उसकी पत्नी धम्मदीप नगर परिसर की है। दोनों के घर मामूली दूरी पर है। जानकारी के अनुसार कालिया ने पत्नी के साथ भागकर 1 मार्च को शादी की है। इससे उसकी पत्नी के परिजन आहत थे। कालिया 5 मार्च को शादी कर लौट आया। उसने यशोधरा नगर पुलिस को शादी की सूचना भी दी। इसके बाद से पत्नी के साथ रहता था। कुछ दिन पहले कालिया की पत्नी को परिजनों ने मामा की तबीयत खराब होना बताकर घर बुलाया। इसके बाद से वह अपने परिजनों के साथ ही थी।